सो सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 लेसन 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन फोर गेम्स। ये फोर गेम्स हैं और ये तीन प्लेयर है ए बी सी। गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4 में प्लेयर ए ने स्कोर किया है 14, 16, 10 एंड 10, जबकि प्लेयर बी ने गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में स्कोर किया है 0, 8, 6 एंड 4। प्लेयर सी ने 8, 11 और तीसरे गेम में उसने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, उसने खेला नहीं, और चौथे गेम में उसने 13 रन स्कोर किया है। अब नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो एवरेज नंबर ऑफ स्कोर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन में 4 गेम उसने खेला है, तो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 एंड ऑब्जर्वेशन 4। तो इसमें हम लिखेंगे एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू इन सब का टोटल 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने गेम उसने खेले हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 14 एंड 16, 30, 30, 40 एंड 50, तो 50 बाई 50 अपॉन में 4। अब इसमें 50 में डिवाइड करते हैं 4 का, 4 वन ज़ 4, माइनस में 1 पॉइंट, और अब 2 में दे देंगे, 4 टू ज़ 8, 2 पॉइंट ले लेंगे 0, 4 फाइव ज़ 20, ठीक है, तो इसका आंसर आया 12.5, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। वाई कहता है कि अगर सी ने जो गेम खेला है, इसने 3 ही गेम खेला है, तीसरा गेम इसने खेला नहीं है, तो 1, 2 एंड 3 तीन ही गेम इसने खेला है, तो ये कहता है कि अगर आपको मेन नंबर निकालना होता गेम सी के लिए, अर्थात प्लेयर सी के लिए, तो आप उसके पॉइंट्स को, टोटल पॉइंट्स को आप 3 से डिवाइड करोगे या फिर 4 से। ऑब्वियसली 3 से करेंगे क्योंकि तीसरा गेम तो उसने खेला ही नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, टू फाइंड द मीन, टू फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। वी विल डिवाइड द टोटल बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, उसने 3 ही गेम्स खेला है, 3 गेम्स लिखेंगे, तीसरा गेम उसने खेला नहीं है, तो 1, 2, 3, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो मीन निकालने के लिए इन सब का टोटल डिवाइडेड में अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कि जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने गेम उसने खेला है वो नंबर, देन लिखेंगे मीन ऑफ बीस स्कोर, बीस स्कोर इट्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितने टाइम्स उसने गेम खेला है, 1, 2, 3 एंड 4,
इसलिए हम 4 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं, 6 एंड 8 14, 14 एंड 4 18 बाई 4, 18 एंड अपॉन में 4। अब 18 को हम 4 से डिवाइडेड करेंगे, 4 4 से 16 माइनस में 2.045 से 20, देन यहाँ पर हमारे पास में आ गया 4.5, देन द मीन ऑफ वी स्कोर इज 4.5, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, जिसका बेस्ट एवरेज होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे एवरेज ऑफ इस स्कोर, ए का स्कोर कितना था, एवरेज स्कोर कितना था ए का, 12.5, एवरेज ऑफ बी स्कोर, बी का स्कोर कितना था, बी का था 4.5, एवरेज ऑफ सी स्कोर, सी का स्कोर कितना था, सी ने, सी का हमने निकाला नहीं था, तो निकाल लेते हैं सी का स्कोर, 8 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 24, 24 और 8 32, 32 अपॉन में 3, 32 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 वन से 3, 2 0.063 से 18, तो इसका आया 10.6, ठीक है। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो किसके एवरेज स्कोर ज्यादा है, तब आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, इतना आपको करना है। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है, होप आपको ये पूरा प्रश्न समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।